तो स्वागत है आपका एक और वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस वीडियो को सभी कैंडिडेट को इंतजार था वो वीडियो हम लेके आ गए हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, CHO 4000 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है दोस्तों। आज जिन लोगों ने भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले नहीं कराया था, आज सभी को बुलाया गया था। 2 तारीख को डेट दी गई थी, जिनके पास मेल और ईमेल के द्वारा आप जिनको पता नहीं चला था या फिर जिनके पास कॉल नहीं गया था, उनको आज बुलाया गया था 2 तारीख को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया होगा। दूसरी बात, यहाँ पर आप लोगों के लिए सवाल ये है कि फाइनल लिस्ट कब आने वाली, सिलेक्शन लिस्ट कब आएगी दोस्तों। तो जी हाँ फ्रेंड्स, सबके लिए खुशखबरी हम बताएंगे आपको। यहाँ पे सबसे बढ़िया बात यह है कि जो है यहाँ पे जो फॉर्म भरे गए, कितने भरे गए दोस्तों, आपको पता है टोटल जो वैकेंसियाँ हैं 4000 वैकेंसी हैं और यहाँ पे फॉर्म कितने भरे गए हैं उस जानकारी से देखते हैं तो आपका यहाँ पे लगभग सिलेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन हम आगे सारी जानकारी आपको सिक्वेंस से बताएंगे। और सबसे पहले मैं कैटेगरी वाइज आपको जो है कट ऑफ भी बताऊंगा इसकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में जो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे होगा लगभग, उनके बारे में हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। और दोस्तों ये जो सूची है, सिलेक्शन सूची कब जारी की जाएगी, इसके बारे में हम आपको जल्दी से बताएंगे कि एग्जैक्ट कब आने वाली है ये। ठीक है, जल्दी ही आने वाली है दोस्तों। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलती रहेगी। और दोस्तों आपने पहले भी देखा होगा, NHM से रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड की गई है, और जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आएंगी दोस्तों वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, तो अब तक आप तक नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी से पता चलता रहेगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से हमें पता चला है कि यहाँ पे कितने कैंडिडेट हैं, यहाँ पे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा जो टोटल वैकेंसी थी दोस्तों, यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी थी 4000 वैकेंसी थी, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई थी। दूसरी बात, यहाँ पे जो है टोटल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल वेरिफिकेशन कराया है दोस्तों, 2975 लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों। सबसे पहले आपको पता है जितनी वैकेंसी निकाली गई हैं, 4000 वैकेंसी निकाली गई हैं, सबसे पहले NHM ये चाहेगा कि जितनी भी वैकेंसी हैं ये सब कंप्लीट हों, यानी कि सारी सारी जितनी भी चाहेगा वो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी बनने के चांस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो मोटा मोटा कि लगभग जितने भी कैंडिडेट हैं लगभग वहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा, अगर कोई कंडीशन अराइज नहीं होती है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर कैटेगरी वाइज बात करते हैं दोस्तों, तो जनरल कैटेगरी वाइज किन किन लोगों का सिलेक्शन देखने मिलेगा, सबसे पहले मैं आपको जनरल की बात बताऊंगा। देखिए, सिलेक्शन तो लगभग यहाँ पे कैंडिडेट का हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल परसेंटेज होनी चाहिए उतनी यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जितनी है। देखिए, जनरल की अगर बात करें यहाँ पे, जनरल की लगभग 65 से ऊपर तो होनी चाहिए साथियों। ठीक है, अगर देखा जाए 65% से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये जो है परसेंटाइल में बता रहा हूँ आपको, आपकी जैसे नर्सिंग में, BSc नर्सिंग में 4th ईयर में टोटल जो कंप्लीट आपकी परसेंटाइल है वो 65% से ऊपर होनी चाहिए लगभग, अगर देखा जाए परसेंटाइल के रूप में। दूसरी बात, OBC की बात करते हैं यहाँ पे, OBC की कितनी परसेंट होनी चाहिए, OBC की अगर दोस्तों आपके 55 से ऊपर है ना, तो वहाँ पर आपको जो है शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपका सिलेक्शन वहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट नहीं है, एक दो ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन एग्जैक्ट लगभग इतनी ही रहने वाली है। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए SC और ST की कितनी रहेगी, आपको पता है SC ST की लगभग सेम ही होती है, SC और ST की कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे लगभग अगर आपके 45% से ऊपर हैं दोस्तों नर्सिंग में, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। और यहाँ EWS की बात करेंगे दोस्तों, EWS आपको पता है EWS और OBC की लगभग सेम ही जो है कट ऑफ रहती है, इसी तरीके से EWS की भी 55 से ऊपर जो है परसेंटाइल हैं कैंडिडेट के, उनका वहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इतने कट ऑफ अगर आपकी है आप आसपास, तो लगभग सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहूँगा दोस्तों, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए जब 4000 वैकेंसी हैं। दूसरी बात, फॉर्म कितने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने लोगों ने कराया है, ठीक है 2975 लोगों ने कराया है, तो यहाँ पर आपका लगभग सिलेक्शन देखने को मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी निकाली जाती है सबसे पहले उन वैकेंसी को कंप्लीट किया जाता है, सारी वैकेंसियों को भरा जाता है, ऐसा नहीं है अब आपकी कितनी परसेंटेज हो तो वहाँ पे वैकेंसी खाली जा रही है तो आपको वहाँ पे लेने के चांस रहेंगे। ठीक है, अगर कोई कंडीशंस वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है तो वहाँ पे सब कैंडिडेटों को जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं उनका वहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास CCH नहीं था, और दूसरी बात जो है उनके क्राइटेरिया थे वो अलग थे, GNM वाले कैंडिडेट भी ऐसे थे, लेकिन इसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है उतने ही लोगों ने कराया है। ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी थी, तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी सूची है यहाँ पे सिलेक्शन जो लिस्ट है वो कब आने वाली है दोस्तों। आपको पता है बहुत जल्द आपकी जो है लिस्ट आने वाली है, हमें जो है पता चला है अपने वहाँ से,
जितने भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा गए थे वहाँ पे, तो वहाँ के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे उनसे जानकारी प्राप्त हुई है दोस्तों कि जितना जल्दी हो सकेगा वहाँ पे आपके जो है प्रोसेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी वहाँ पे, कहाँ कहाँ पे जो है आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी वो सारी जानकारी उन्होंने बताई थी कि बहुत जल्दी प्रोसेस होने वाली है और जल्दी ही आपकी जो है सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे जारी कर देंगे। और दूसरी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो आपको जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से जल्दी हम आपको जल्दी से बताएंगे आपकी दूसरी वीडियोस में हम जो लेके आएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो है सिलेक्शन लिस्ट आ गई है और कहाँ कहाँ पोस्टिंग दी जाएगी वो सारी जानकारी हम आपको आगे वाली वीडियो में सारी जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर मेरे इतने परसेंटेज हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों ये मैं आपको एग्जैक्ट बताया है, लगभग सिलेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ये सारी जानकारी आपको पता लगी होगी, मैंने सिक्वेंस आपको बताई थी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी मिला होगा। दूसरी बात, यहाँ पे खुशखबरी है आप लोगों के लिए दोस्तों, सिलेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे, परसेंटेज जो मैंने आपको बताई उस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे कब तक जो है सिलेक्शन लिस्ट आएगी आपकी, वो जल्दी से जल्दी आने वाली दोस्तों, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आएगी यहाँ पे। और यहाँ पे टोटल फॉर्म कितने भर गए वो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कैंडिडेट नए आए हैं दोस्तों उनको पता होगा कि इस चैनल के द्वारा कितनी हेल्प मिलती है आप लोगों को, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। जितने भी लेटेस्ट अपडेट होंगे वो जल्दी से जल्दी आपको बताए जाएंगे, ठीक है साथियों। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।